अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वाटर सप्लाई सॉफ्ट किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने जो है वो नए आने वाले लोगों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ अपने वाटर सप्लाई सॉफ्ट प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर टाइप करना है वाटर सप्लाई सॉफ्ट। जब आप वाटर सप्लाई सॉफ्ट करेंगे तो इस तरह का हमारा लोगो अपडेट हो चुका है, ये एप्लीकेशन अपडेट हो गई है, इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है इसलिए यहाँ ओपन लिखा हुआ रहा है, आप अपना इंस्टॉल कर लीजिएगा अपनी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से लोगो आ जाएगा, इस लोगो पर आप क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस तरह की मज़ीद एप्लीकेशन अगर आपको बनवानी हो या ई कॉमर्स या किसी भी टाइप की आपको एप्लीकेशन बनवानी हो हमसे, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करें। आपको ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनवानी हो या किसी भी तरह की अकाउंटिंग की या जो भी एप्लीकेशन ऐप एंड्रॉयड एप्लीकेशन iOS एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन बनवानी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले मैं आपको साइनअप करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं साइनअप पर गया, साइनअप करने पर सबसे पहले आपने अपना फुल नेम देना है। मेरा नाम सईद है, तो जो भी है वो मैंने अपना नाम दे दिया। अच्छा, कंपनी नेम बड़ी ध्यान से देना है क्योंकि ये कंपनी नेम चेंज नहीं होगा और ये SMS पर क्लाइंट आपके क्लाइंटों के पास भी जाएगा, तो ये कंपनी नेम आपने ध्यान से लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेमो वाटर सप्लाई। ठीक है, और कंपनी एड्रेस जो भी आप देना चाहे, जहाँ भी आपकी कंपनी है नहीं है जो भी है जिस जगह पर है वो आप दे सकते हैं। अच्छा, फ़ोन नंबर जो है वो मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया। इस फ़ोन नंबर पर आपको एक SMS आएगा, 333। इस नंबर पर आपको एक SMS आएगा पिन कोड, उस पिन कोड के बाद ही आप अपना अकाउंट बना सकेंगे। ये मैंने पासवर्ड दिया, पासवर्ड लॉगिन करते हैं, साइनअप करा। साइनअप करने के बाद जो है आपको एक पिन कोड आएगा वेरिफिकेशन के बाद, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो 2 मिनट वेट कर लीजिएगा। आपके इंटरनेट पर भी मतलब है कि कितना अच्छा आपका इंटरनेट हो उतनी जल्दी ही आपका पिन रिसीव हो जाएगा। ये मेरे पास एंटर या OTP पिन कोड का ऑप्शन आ गया है पर पिन कोड अभी तक नहीं आया। ये मेरे पास पिन कोड आ गया, ये रहा 7471। अच्छा, मेरे पास ये पहले का भी एक पिन कोड है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, जो लास्ट है 747131। इस पिन कोड को आपको 1 मिनट के अंदर अंदर आपने एंटर करना है। अगर आप एंटर नहीं करेंगे तो ये पिन कोड ख़त्म हो जाएगा या इनवैलिड आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। अच्छा, मेरा इस नंबर से अकाउंट बना हुआ है तो ये बोलेगा कि ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि पिन कोड किस तरह से आएगा और किस तरह आपने एंटर करना है, क्योंकि बाज़ लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है। और ये मैंने सबमिट करा। फ़ोन नंबर इज़ ऑलरेडी एग्जिट, मतलब इस नंबर से मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, इस वजह से आपका अकाउंट बन जाएगा और लॉगिन की स्क्रीन पर आप आ जाएंगे। मैं यहाँ लॉगिन की स्क्रीन पर आया, अब मैं आपका आपका अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये मेरा अपना अकाउंट है 0333348681। अच्छा, यहाँ कंट्री कोड जो है वो मैं बताना भूल गया रजिस्ट्रेशन पर भी, कि जो भी जिस कंट्री से है वो इस कंट्री कोड को यहाँ से चेंज कर सकता है। जैसे इंडिया वाले जो है वो इंडिया में +91 चलता है, उसके बाद जो है वो 0 डालने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद जो भी 10 नंबर है वो डालने हैं। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो उसका भी पाकिस्तान जो है वो भी मतलब 10 नंबर डालने होते हैं, +92 कोड होता है, उसके बाद 10 नंबर होता है। इसी तरह बांग्लादेश जो भी जहाँ भी से भी है वो कंट्री कोड यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इसी तरह लॉगिन में भी आपको यहाँ से कंट्री कोड आपका मिल जाएगा, अगर आपका कंट्री कोड वो नहीं है तो आपने अपना कंट्री कोड देना है और उसके बाद 10 नंबर, और फिर इसके बाद जो है जो भी पासवर्ड आपने बनाया है
वो आपने यहाँ पर दे देना है। अच्छा, यहाँ पर एडमिन और डिलीवरी बॉय है, यहाँ एडमिन अभी फर्स्ट आप एडमिन है, डिलीवरी बॉय का मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैंने लॉगिन किया, एडमिन पर चेक लगा कर लॉगिन करने के बाद जो है अभी मेरा अकाउंट बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना कोई कस्टमर है, ना कोई एक्सपेंस है, कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल मैं आपको स्टार्ट से बताऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट डिलीवरी कस्टमर किस तरह से ऐड करना है, डिलीवरीज किस तरह से करनी है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।